राजस्थान के बारा हरनावदी जागीर में निकली तिरंगा यात्रा भाजपा महिला मोर्चा तहसील अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ यात्रा का आयोजन, जिसमें गांव की महिला और पुरुषों समेत नौजवान बालक बालिकाओं ने उत्साह से भाग लिया और नारेबाजी कर गांव में प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली निकाली गई। बारा छिपाबडोद आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर राज्य कर्मचारियों की ओर से डीजे की धुन पर देशभक्ति गीतों के साथ ऐतिहासिक बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। हर चौराहे पर पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत, भारी बरसात में भी दिखा देशभक्ति का जबरदस्त जुनून। राजस्थान के बारा अटरू में आजादी के अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में आज अटरू में अटरू पुलिस द्वारा कस्बा अटरू में पैदल तिरंगा रैली निकाली गई, जो अटरू थाने से रवाना होकर सालपुरा तिराया हाट बाजार होते हुए उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंची। मैनपुरी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी निकाली हर घर तिरंगा यात्रा, लोगों को किया जागरूक, जिसके चलते मैनपुरी शहर के गोला बाजार स्थित मस्जिद कमेटी के तत्वाधान में मुस्लिम समुदाय के लोगों और बच्चों ने एकजुट होकर तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों को जागरूक किया। फरुखाबाद थाना क्षेत्र शमशाबाद के ग्राम सरदारपुर निवासी सचिन पुत्र दाताराम उम्र लगभग 17 वर्ष सुबह अपने खेत पर जा रहा था। गंगा में आई बाढ़ से बूढ़ी गंगा में पानी की काफी तेजी से धार चल रही थी। सचिन अचानक सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में पैर फिसलने से पानी के अंदर चला गया। वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में निकाला, तब सचिन की मौत हो चुकी थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जनपद बलरामपुर के कोतवाली तुलसीपुर में निकाला गया तिरंगा यात्रा। पुलिस ने अमृत महोत्सव के क्रम में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ देवी पाटन पीठाधीश्वर श्री मिथिलेश नाथ योगी ने किया। हाथों में झंडा लेकर यात्रा को रवाना किया। बलरामपुर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा यूपी 112 द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उत्साह से निकाली तिरंगा यात्रा उमड़े युवा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाबी में भाजी यूमो मंडल की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।